हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं कहाँ घूम रही हूँ। इस टाइम में मौसम बहुत अच्छा होता है घूमने के लिए खास करके। तो देखिए मेरे पीछे भी कितना अच्छा लग रहा है, और ये देखिए पीछे क्या दिख रहा है। ये देखिए बादाम का पेड़ है, ये इसमें बादाम भी लगी हुई है। देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसको। देखिए बहुत हरा है और बहुत बड़ा भी है, काफ़ी बड़ा है। मैं दिखाती हूँ आपको पास से कि कैसे दिखता है ये, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना हरा दिखता है ये पेड़, बहुत हरा दिखता है। और देखिए इसमें बादाम भी बहुत अच्छे से लगती हैं, और अच्छी बड़ी बड़ी बादाम लगती हैं। ये देखिए गुच्छे के गुच्छे इसमें लगते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको पास से। ये देखिए इस तरीके से इसमें गुच्छे लगते हैं, और पूरे पेड़ में इसी तरीके से लगी हुई है। और मैंने आपको दिखाने की कोशिश भी की है, और ये कहीं कहीं पर ये डंडियों के जैसे जो निकल रहे हैं ना, ये फूल हैं इसके। ये देखिए मैं दिखाती हूँ कहीं, ये देखिए ये जो दिख रहे हैं ना, ये फूल हैं इसके। इसी में बादाम बाद में लगती हैं, ये अपने आप झड़ जाती है, या फिर पकने के बाद अपने आप गिरने लगती है, हम लोग गिरा लेते हैं। तो गीली बादाम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है फोड़ करके। तो ये अभी एक दो महीने इस तरीके से लगी रहेगी, इसके बाद में फिर हम लोग इसको गिरा लेंगे, या फिर अपने आप गिरने लगती है तो गिरती रहती है, और बच्चे तोड़ तोड़ करके उसको खाते रहते हैं आंगन में से। तो ये मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉज ने लगाया था ये पेड़। बहुत दिनों में बढ़ता है ये, बहुत केयर इसकी करनी पड़ती है, बट ये गर्मियों में भी इसी तरीके से हरा रहता है। और देखिए कितना अच्छा लगता है शाम के टाइम में, या कभी भी इसको गर्मियों में ऊपर आओ या फिर कहीं से बालकनी से देखो तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पेड़ पौधे घर के आसपास होते हैं तो, और ख़ास करके ऐसी यूनिक चीज़ें जो कहीं कहीं पर मिलती हैं। तो देखिए पेड़ बहुत बड़ा है, ये हमारे ऊपर वाली छत से भी ऊपर निकलता है, बहुत लंबा है, और बहुत कई साल हो गए हैं इसको लगे हुए। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत बड़ा हो गया ये पेड़। ये मेरी नकल की जा रही है, मैं आपको दिखा रही थी ना, तो बोले कि हम भी बोलेंगे, तो मैंने बोला बोलो, तो बोल रहे हैं दोनों। ये देखिए चारों बहन भाई क्या खेल रहे हैं, चिड़िया उड़ी, कितना मज़ा आ रहा है। इसी तरीके से हम भी हमारे बचपन में खेला करते थे, और ये लोग छत पे बैठे हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अंदर, तो हम लोग इसलिए बैठे थे तो ये खेलने लगे। तो मैंने बोला थोड़ा सा आपको भी दिखाती हूँ। ऐसा खेल सिर्फ बचपन में ही खेला जा सकता है, क्योंकि ये मज़े सिर्फ बचपन में ही हैं, बड़े होने के बाद तो पता नहीं क्या ही ज़िंदगी में लग जाता है, ये सब चीज़ें छूट सी जाती हैं। धीरे धीरे मारो, धीरे धीरे पकड़।
नाइट हो गई है और रात के 10 बज गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।